सऊदी अरब में सिनेमा से रुख हटने के बाद बुधवार को पहली फिल्म ब्लैक पैंथर दिखाई गई। बुधवार का शो सीनियर ऑफिशियल्स के लिए आयोजित किया गया था। शुक्रवार से इस सिनेमा घर को आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। गुरुवार से ही यहां टिकटों की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू हो गई थी। देश भर में सिनेमा की शुरुआत को लेकर काफी उत्साह सामने आने की बात कही जा रही है। बता दें कि बीते साल संस्कृति और सूचना मंत्रालय ने सिनेमा घरों को लाइसेंस जारी करने की घोषणा की थी। बताया गया था कि ये फैसला सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 कार्यक्रम का हिस्सा है। बीते समय में सऊदी अरब में कई अहम फैसले लिए गए थे। इनमें महिलाओं को कार चलाने की अनुमति देने से लेकर सिनेमाघर की शुरुआत काफी अहम माने जा रहे हैं। सऊदी अरब में सिनेमा से पाबंदी हटने को एक नए युग की शुरुआत बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में भी फिल्मों के प्रदर्शन से पहले सेंसर प्रक्रिया से गुजरना होगा। यहां दिखाई गई पहली फिल्म ब्लैक पैंथर से भी किस सीन हटाए जाने की बात कही जा रही है। सन 1980 सेकंड सऊदी अरब में सिनेमा पर प्रतिबंध था। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सुपरहीरो की मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर सऊदी अरब में दूसरी बड़ी रिलीज फिल्म होगी। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट में बताएं। और भी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।